प्लानिंग कमेटी जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी 1949 में, सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि देयर इज अ नीड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एंड फॉर दैट वी नीड अ फॉर्मल प्लानिंग जिसमें एक परमानेंट एक्सपर्ट बॉडी हो जो नेशनल और स्टेट लेवल पे प्लानिंग कर सके। सो इसके बेसिस पे दस इन मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ बाय अ कैबिनेट रिजोल्यूशन विदाउट रिजॉर्टिंग टू लेजिस्लेशन। डेट मीन्स यहाँ पे ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ना ही कोई लीगलाइजेशन ऑफ एक्ट किया गया। इट वॉज जस्ट अ कैबिनेट रिजोल्यूशन, एक यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हमें इस तरीके से प्लानिंग कमीशन बनाना है। सो इट वॉज सेटअप इन 1950। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग द कंपोजिशन, लीगल स्टेटस, एक्सेट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। फर्स्ट इज इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैचुटरी बॉडी। एज आई हैव सेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी नहीं किया गया और ना ही यहाँ पे स्टैचुटरी मेजर्स लिए गए थे फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लाइक एनी, देर वॉज नो सच इनैक्टमेंट ऑफ लॉ, इट वॉज जस्ट अ कैबिनेट रिजोल्यूशन। सेकेंड, इट इज़ जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी जो सिर्फ एडवाइस करती थी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें किस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, क्या तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो एज अ बाइंडिंग नहीं था। थर्ड इज एन थिंक टैंक, कि ये इज एन थिंक टैंक ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वॉज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो डेप्यूटी चेयरमैन के साथ कोऑर्डिनेट करता था on all such things. Fourth, it is an autonomous body. ये एक autonomous body है जो खुद के views रख सकती है, जो खुद के issues बता सकती है, जो union और state के साथ closely काम कर सकती है, खुद का knowledge provide कर सकती है, खुद किसी और का knowledge gain कर सकती है। It is an autonomous body. Unlike finance commission, it is not answerable to any parliament or state legislature. Fifth is an invariably consulted. It is consulted by state government or the central government for making certain policies or implementing certain schemes. So that is a major important detail, planning commission. Sixth, it is linked with the union cabinet. कि जो union cabinet at the secretary level है उससे planning commission linked है कि वो हमारे वो सारे जो implementation है, जो planning है, जो रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, ये सारा यूनियन कैबिनेट एट द सेक्रेटरी लेवल के साथ डिस्कस करके लिया जाता है। सेवन, इट हैड सर्टेन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑल्सो। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन, लीगल स्टेटस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सो वी हैव डिस्कस द प्लानिंग कमीशन, नाउ विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। दैट प्लानिंग कमीशन के